स्वातंत्र वीर सावरकर ये मूवी हमें उस दौर की कहानी से रूबरू करवाती है जब महात्मा गांधी और नेहरू से भी पहले देश की आजादी की खातिर आज भुलाए बिसरे जा चुके स्वतंत्रता के नायकों ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था, मगर अंग्रेजी सरकार के आगे कभी अपना सर नहीं झुकाया। रणदीप हुड्डा अभिनीत इस मूवी में उन तमाम देश नायकों की संघर्ष और बलिदान की गाथा को ही बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा गया है। जैसा कि हम जानते हैं, ये मूवी फ्रीडम फाइटर विनायक दामोदर सावरकर की बायोपिक है, जिसमें उनके जीवन के बहुत से अनछुए और अनसुने पहलुओं को दिखाने की कोशिश की गई है। मूवी में ये बात जोर देकर बताई गई है कि सावरकर गांधी जी की रिस्पेक्ट तो करते थे, मगर उनकी अहिंसावादी जो विचारधारा थी, सावरकर उससे जरा भी प्रभावित नहीं थे और उनकी इस विचारधारा का विरोध करते थे। करीब 3 घंटे की इस मूवी की स्टोरी ईयर 1857 से लेकर 1966 के बीच की है, जिसमें हमें सावरकर के बचपन से लेकर उनका अभिनव भारत जैसे क्रांतिकारी संगठन को बनाना, यमुनाबाई से उनकी शादी होना, उनका लंदन जाकर फ्री इंडिया सोसाइटी और इंडिया हाउस जैसे संगठनों से जुड़ना, उनका बम बनाने का तरीका सीखना जिस वजह से ब्रिटिश सरकार का उन्हें पकड़ना, भारत आते समय उनका शिप से कूदकर फ्रांस में शरण लेने की कोशिश करना और 2 बार आजीवन कारावास के दौरान कालापानी में अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली असहनीय यातना को सहना, फिर एक राजनीतिक कैदी होने के तौर पर बरी होने के लिए याचिका लिखना, उसके बाद हिंदू महासभा का नेतृत्व कर अखंड भारत का नारा लगाना और महात्मा गांधी की हत्या के मामले में उनका नाम आने से लेकर सबूतों के अभाव में बरी होना तक के लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। मूवी का नैरेटिव और कुछ डायलॉग्स इस तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं जो शायद बहुत से लोगों को खटक सकते हैं, मगर मूवी के जरिए रणदीप हुड्डा ने बहुत से सवाल भी उठाए हैं और सावरकर की लाइफ की ऐसी साइड को लाइट में लाए हैं जिससे आम लोग बिल्कुल अनजान है। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफी इंप्रेसिव है, जिसमें 19वीं सदी के भारत को बड़ी खूबसूरती से पर्दे पर उकेरा है। मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लग सकता है, मगर सेकंड हाफ तक आते आते मूवी रफ्तार पकड़ने लगती है। सावरकर के रोल में एक्टर रणदीप हुड्डा ने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट पेश किया है, वो शायद ही कोई और पर्दे पर दिखा पाता। उनकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और डायलॉग डिलीवरी से वो पूरी तरह सावरकर के किरदार की गहराइयों में डूबे नजर आते हैं। फाइनली अगर कहें तो अगर आप देश की आजादी में एक इम्पोर्टेंट रोल को निभाने वाले फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर के त्याग, समर्पण एंड सैक्रिफाइस को जानना चाहते हैं, तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए।